अगर कोई ऐसी बड़बड़ घटना होगी तो एक इंसान के नाते आप साहस तौर पे किसके पक्ष में खड़े होंगे, अपराधियों के या पीड़िता के? हमने वही किया, हमने पीड़िता के पक्ष में यहाँ आंदोलन शुरू किया और पहले दिन से पीएचसी प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार के तमाम लोग उन अपराधियों को बचाने की कार्रवाई में लगे रहे और ये हमसे कहते हैं कि तुम लोगों की काउंसलिंग करने की जरूरत है। मेरा नाम धनंजय है और मैं जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ और आज यहाँ पर जो प्रदर्शन होना है उसके लिए मैं आया हूँ। हालांकि ये घटना हम सबके जहन में पिछले एक साल से है कि एक बलात्कार की घटना जहाँ बनारस में हुई, बीएचयू में हुआ, आईआईटी में, और उसके बाद एक प्रतिरोध लोगों ने शुरू किया और हम देखते हैं कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे उन छात्रों का निलंबन कर दिया गया। ये बहुत साफ है, बहुत साफ दिखाई देता है कि जो ये तमाम प्रशासन है और जिस विचारधारा के साथ ये चल रही है वो निलंबन सिर्फ ये नहीं हुआ कि छात्रों की आवाज दबा दी गई, इससे बहुत साफ पता चलता है कि वो बलात्कारियों के साथ भी खड़े हैं। और ये तमाम बलात्कारी आप देखिएगा कि वही बीजेपी आईटी सेल के मेंबरान होते हैं, तो इसके लिए ये प्रशासन लगातार पूरी तरह से तैनात है कि किस तरह से उसको बचाया जाए और किस तरह से छात्रों की आवाज को दबाया जाए। तो देश भर के तमाम छात्र आज बीएचयू के उन तमाम छात्रों के साथ खड़े हैं कि जो अपने हक और हुकूक की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, बलात्कारियों के खिलाफ बलात्कारियों को सजा दिलवाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और जेएनयू जो हमेशा से जेंडर जस्टिस का समर्थक रहा है और सोशल जस्टिस का समर्थक रहा है वो यहाँ पे आज आया है, जेएनयू का छात्र संघ यहाँ पे आया है और अपनी आवाज को लेकर आया है कि हम पूरी तरह से इन छात्रों के साथ ऐसे समय पर हम उस लोकसभा क्षेत्र में खड़े हैं जहां से नरेंद्र मोदी जी खुद आते हैं और महात्मा गांधी जी ने यहीं से कुछ किलोमीटर दूर भारत माता का भी मंदिर बनाया था, जो भारत माता पूरे देश में हमें प्रेरणा देती है कि किस तरीके से हमें अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माताओं को, अपनी बड़ी बहनों की इज्जत करनी चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए। और साथ के साथ ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हमारी माताओं बहनों के सपना पूरे करने की यूनिवर्सिटी बनी थी और आज उसी यूनिवर्सिटी के बाहर ये शर्मशार हमें एक आंदोलन करना पड़ रहा है, एक धरना देना पड़ रहा है कि किस तरीके से बलात्कारियों को बचाया जा रहा है, उनको रिहा कराया जा रहा है। तो पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो गुनहगार लोग थे उनको बरी कर दिया गया, उनको अभी उनके केस में उनको बेल पे बाहर निकाला गया, लेकिन साथ के आंदोलन कर रहे थे उनका निलंबन कर दिया गया। इससे शर्मशार घटना मैंने अपने छात्र जीवन में नहीं देखी है।